नमस्कार दोस्तों, अब हम सब लोगों को कोरोना के प्रति पूरी तरीके से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आज बाड़मेर में 234 एक बहुत बड़ा आंकड़ा, जो एक डराने वाला आंकड़ा है, निश्चित रूप से हम सबको चिंता में डालने वाला ये आंकड़ा है कि आज बाड़मेर में 234 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि इसको लेकर चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है, लगातार लोगों से समझाइश कर रहे हैं, वैक्सीन लगाने की मांग कर रहे हैं, सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस प्रकार से आंकड़े जो बढ़ रहे हैं ये हमारे लिए चिंताजनक हैं, सब लोग सावधानी बरतें। अगर बाड़मेर ज़िले की बात करें तो अब बाड़मेर में 400 से अधिक एक्टिव केस हो चुके हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, और आज 234 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि होना भी ज़िले के लिए एक दुखद खबर है। ऐसे में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अब बाड़मेर की मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं कि बाड़मेर में अब कोरोना की बूस्टर डोज वो लगना शुरू हो गई है, आज फ्रंटलाइन जो वर्कर हैं उनके भी लगी है। तो ये सारी की सारी जो कोरोना की जो खबरें आ रही है, ऐसे में हम सब लोगों को सावधानी बरतने की सख्त ज़रूरत है। इसको लेकर बाड़मेर के CMHO डॉक्टर बाबूलाल विश्नोई ने क्या कहा है ये भी मैं आपको सुनाता हूँ। प्रिकॉशन डोज लग रहे हैं, इसको किस क्या इसमें गाइडलाइन है और कितने लोगों के लग रहे हैं, अभी किन किन लोगों के लगाए जा रहे हैं? ये प्रिकॉशन डोज फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर दोनों को लग रही है, और जिसको 9 महीने पूरे हो गए उनका लग रही है। और यहाँ कोमॉर्बिड केसेस है जो 60 साल से ऊपर है, उनके कोई BP या हाइपरटेंशन या अन्य कोई बीमारी है, उन लोगों की लग रही है। जी, आमजन के सर लगने कब शुरू हो जाएंगे? या आमजन कोमॉर्बिड केसेस है वो आमजन है, 60 साल से ऊपर जो भी है, जिसके हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या अन्य कोई बीमारी है, वो आदमी आके हमें बता देगा मेरी ये बीमारी है और मेरे 60 साल से ज़्यादा उम्र है, हम उनको वैक्सीन लगा देंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। अच्छा, ज़िले में अब कितने सर कोरोना के पॉजिटिव पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है ज़िले कोरोना के? लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, पीछे 5-6 दिन से तो लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी काफ़ी 234 के आसपास पॉजिटिव आए हैं। और लोगों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप मैक्सिमम टीका लगाएं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क लगा के बाहर निकले, भीड़भाड़ एरिया से बचें, भीड़भाड़ एरिया में बिना काम मत नहीं जाए तो ही ठीक रहेगा। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, बच्चों के वैक्सीनेशन की या बड़ों के सबके? हम बड़ों के भी कोविशील्ड और बच्चों के 15 से लेकर 18 साल के कोवैक्सीन लगा रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, आज भी गाड़ी गई है वैक्सीन लेके आ रही है, और वैक्सीन कोई कमी नहीं है। हम जिले के अंदर और पूरे जिले में, बाहर रूरल एरिया में और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह वैक्सीन लगा रहे हैं। अच्छा सर, कितने प्रतिशत बच्चों के लग चुकी है और बड़ों की? कल तक 35% बच्चों के लग चुकी थी और बड़ों के तो 86% से ऊपर लगी थी, और सेकंड डोज भी 68 से ऊपर लगी है, आज हम 70 क्रॉस करेंगे लगभग। ठीक है सर। कोई खर्चा ही नहीं है।